हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सबका। देखो आज हम बात करने वाले हैं अगस्त के महीने में कौन कौन से नए फोन आपको देखने को मिलेंगे। अब ये तो हम बात करेंगे ही क्या आने वाला है, साथ में मैं आपको बताऊंगा अभी जो रिसेंटली स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं जिनका रिव्यू मेरा आना पेंडिंग है, अभी काफ़ी सारे नए फोन आए हैं वो आपको बाय करने हैं या फिर नहीं करने हैं, और मेरा वीडियो उनका कब तक आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को आप ध्यान एंड तक ध्यान से देखते रहिए। पहला फोन हमारा आता है मोटोरोला की तरफ से, मोटो एज 15 नियो। ये एक फ़ोन है जो आपको इंडिया में देखने को मिलने वाला है। इससे पहले हम ये जानते हैं जो मोटो एज 14 नियो था कितना पॉपुलर स्मार्टफोन था, अपने प्राइस पर ये एक किलर फ़ोन था। अभी भी किलर है ये फ़ोन, बट अब इसका सक्सेसर आ रहा है एज 15 नियो के नाम से। अब इस पर प्रोसेसर आपको मिल सकता है डेमेरी 7300 जो कि नया प्रोसेसर है, और अभी हमें अभी ये रिसेंटली CMF फोन 1 में देखने को मिला था। अब ठीक है, परफॉर्मेंस तो आपको अच्छी मिल जाएगी, और सुनने में ही आ रहा है इस बार जो प्राइसिंग है वो भी इसकी काफ़ी एग्रेसिव आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी आपको पता है इंडिया में नया बजट आ चुका है, वहाँ पर कहीं ना कहीं बोला जा रहा है फ़ोन थोड़े सस्ते होंगे, कुछ चीज़ों में प्राइस परसेंटेज कुछ घटाई गई है। तो ऐसे में उम्मीद मैं ये कर सकता हूँ अब जो नए फ़ोन आने वाले हैं ना वहाँ पर आपको इस बजट का कुछ ना कुछ असर देखने को मिल सकता है। बाकी अभी यार कुछ कन्फर्मेशन नहीं आई है क्या होगा कैसे होगा, अभी आपको इसके लिए थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। अब अगर आप Realme के फ़ैन हैं ना तो Realme 13 सीरीज़ का बैनर तो आपने देख लिया होगा, लग चुका है। हमारे शाहरुख खान भाई हैं जो ब्रांड एम्बेसडर हैं Realme 13 सीरीज़ के हमेशा की तरह। अब जो Realme 13 Pro है, अब जब भी मैं ये कहता हूँ ना ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है या सलमान खान है तो उसका जो खर्चा है ना हमें से निकाला जाता है। तो इसकी प्राइसिंग तो मुझे लगता है वही 30,000 तक जाएगी जो प्लस वाला वेरियंट है, और जो दूसरा वेरियंट है वो 26,000 तक आपको देखने को मिल सकता है। और जो इसमें प्रोसेसर मिलने वाला है ना उम्मीद है 7S Gen 2 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कैमरा को हाईलाइट किया जाएगा। अब मैं आपको ये कहूँगा जब ये सीरीज आएगी ना आप जल्दबाजी में तो बाय करना मत इसको। आपको पता है जब सेल आती है क्या हाल हो जाता है। आपको 20 में मिला था इस सेल में जो भी फ्लिपकार्ट पे सेल चल रही थी रियलमी 12 प्रो, और 25-26 के आसपास मिल गया था 12 प्रो प्लस जिसका प्राइस था पहले 30,000 से भी ज़्यादा। तो ऐसे में आप सेल का वेट करना 13 सीरीज़ बाय करने से पहले, आते ही लोगे तो पैसा आपका बचेगा नहीं, वेस्ट हो जाएगा, फिर आप कहोगे मैंने आपको सतर्क नहीं किया। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए हर महीने वीडियो लेकर आता हूँ जहाँ पर मैं बात करते हैं नेक्स्ट मंथ कौन कौन से फ़ोन आने वाले हैं, तो आप सब्सक्राइब करके लाइक करना मत भूलिएगा, और बताना मुझे कमेंट में आप किस फ़ोन का बेसब्री से वेट कर रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट फ़ोन है वो है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग यहाँ पर दो फोन लॉन्च कर सकता है। पहला फोन है सैमसंग गैलेक्सी S24 FE 5G। अब देखो जो ये फोन है ना आपको पता है S23 FE 5G आया था एक्जीनोस के साथ, यहाँ भी आपको कुछ कुछ जगह पे एक्जीनोस और कुछ जगह पे स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 देखने को मिल सकता है। अगर एक्जीनोस आता है इंडिया में फिर तो ये फोन आने से पहले ही खत्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता इसका वेट करने का अगर यहाँ पर एक्जीनोस ही आया तो। बाकी देखना पड़ेगा इस बार कौन सा एक्जीनोस आता है और कैसी यहाँ पर वहाँ पर पावर दी जाती है। तो अभी मिक्स थोड़ा लग रहा है, जितनी रिसर्च किया उसमें दोनों बातें निकल के आ रही हैं कि आपका एक्जीनोस बिल्कुल ना है किसी भी फ़ोन में, या कुछ कंट्रीज़ में एक्जीनोस कुछ में स्नैपड्रैगन आ जाए। और जो अगला फ़ोन है वहाँ पर तो एक्जीनोस ही आना है ये कन्फर्म है, सैमसंग गैलेक्सी F35 5G। इस टाइम पे मैं M35 5G यूज़ कर रहा हूँ जो कि हमें अमेजोन पर देखने को मिलता है। ये भी वैसा ही फ़ोन रहेगा जो आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर सैमसंग ने चिपका दिया है एक्जीनोस 1380 M35 में। अब मैंने जितनी इसकी टेस्टिंग करी है ना, हाँ कैमरा मुझे ठीक ठाक लगा, विक्टर्स की प्रोटेक्शन है तो गिरता पड़ता है फ़ोन तो बढ़िया है, ये चीज़ प्रोटेक्शन बढ़िया आपको मिल रही है। लेकिन यार खाली प्रोटेक्शन से कैमरा से तो फ़ोन नहीं चलता, फ़ोन चलाने के लिए अच्छी पावर भी चाहिए होती है जो कि यहाँ पर नहीं मिल रही है मानता हूँ मैं। और तो स्कोर्स आप देखोगे आपको अच्छे मिलेंगे, इन्होंने 40,000 से ऊपर के रेंज में दिया था एक्जीनोस 1380 सैमसंग गैलेक्सी A55 में, लेकिन अब वो इसको चिपका के दे रहे हैं हमें 15-16-17 हज़ार के आसपास की रेंज में। तो अगर मैं ऐसे ही इस गैप देखता हूँ ना तब तो ऐसे लगता है कि हाँ सैमसंग का 40,000 वाला प्रोसेसर है जो हमें 16-17 में मिल जाएगा, लेकिन जब आप फ़ोन को यूज़ करना स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ टाइम बाद पता चल जाएगा भाई साहब जैसे 10-15,000 के फ़ोन काम करते हैं ना वैसी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी यहाँ पर, आपको बिल्कुल एक बजट फ़ोन वाली फील यहाँ पर आएगी इसको यूज़ करने के बाद। तो नंबर्स पर आप पागल मत होना बिल्कुल भी, नंबर्स बड़े दिखाए जाते हैं एक्चुअली जब परफॉर्मेंस आती है सामने तो असली चीज़ें निकल के आ जाती हैं। तो F35 में भी वही चीज़ होगी तो वेट करने का तो मतलब नहीं बनता। बाकी सैमसंग के फोल्ड फ्लिप तो लॉन्च हो ही चुके हैं, यहाँ पर तो चीज़ें मैंने आपको बताया था, फोल्ड की वीडियो भी बनाई है मैंने, वो आप चेक कर लेना अगर आपने अब तक नहीं करा है तो। मेरा तो फ्लिप 5 जब से ख़राब हुआ है ना मेरा तो मन नहीं हट गया है फ्लिप फ़ोन से।
बढ़िया होते हैं वैसे, स्वैग वाला फ़ोन आप कह सकते हैं, बट जब बुरा ये लगा था सर्विस सेंटर ने भी यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया था जब मैंने उसको ठीक करवाना चाहा, उस वजह डिस्प्ले ख़राब हुआ। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि फ्री कुछ रिप्लेसमेंट दे रहे हैं डिस्प्ले की, अगर कोई दिक्कत आती है तो उसमें भी टर्म एंड कंडीशन है, वो आप ध्यान से पढ़ लेना। अब अगर मैं नेक्स्ट फोन की बात करता हूँ तो वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर नथिंग की तरफ से, नथिंग फोन 2A प्लस। ये फ़ोन आपको जुलाई के एंड में देखने को मिलेगा और अगस्त में इसकी सेल स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो अंदर की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो अभी नथिंग फोन 2A चल रहा है ना, जो चीज़ें वहाँ पर हमने मिस की थी वो यहाँ पर मिस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये प्लस वेरियंट है उसका, चीज़ें यहाँ पर काफ़ी एडवांस आपको यूनिक देखने को मिलेगी नथिंग फोन 2A के कंपैरिजन में। अभी डाउट है प्रोसेसर यहाँ पर कौन सा होगा, शायद यहाँ पर 7200 Pro वही सेम प्रोसेसर हो सकता है जो आपको नथिंग फोन 2 में मिला है, बाकी मैं कंफर्म नहीं हूँ इसको लेकर, कंफर्म होते ही मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। ये बात कंफर्म है कि अब आपको एक नया फ़ोन मिलने वाला है जहाँ पर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस कमाल का होगा, 20 से लेकर 25 हज़ार के आसपास की रेंज में। फिर आता है हमारा फ़ोन iQOO की तरफ से, देखो iQOO Z9 Turbo। जब से मैंने आपको इस फ़ोन के बारे में बताया था ना, आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ये फ़ोन इंडिया में कब लॉन्च किया जाएगा। अब फाइनली मैं आपको बता रहा हूँ, अगस्त में ये फ़ोन आपको इंडिया में देखने को मिलेगा और इसका नाम होगा इंडिया में iQOO Z9S, जो कि टक्कर देगा OnePlus Note 4 को या Poco F6 को। इस लेवल की परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर मिल जाएगी, 8S Gen 3 इस फोन में होने वाला है। ये बनेगा इंडिया में चीपेस्ट फोन 8S Gen 3 के साथ, ऐसे कुछ डिटेल या लीक्स निकल के सामने आ रही है, बिकॉज बाहर की मार्केट में इसका प्राइस काफ़ी कम है, 25,000 से काफ़ी कम में मिल जाता है हमें iQOO Z9 Turbo। अब इंडिया में आते आते थोड़ा तो प्राइस बढ़ेगा ही, लेकिन उतना भी यहाँ पर प्राइस नहीं बढ़ाया जाएगा, ये फ़ोन बाकियों से महंगा हो जाए, फिर चाहे वो Poco F6 हो, Realme GT 60 हो या फिर OnePlus Note 4 हो, अच्छा कंपटीशन हमें देखने को मिलने वाला है इस अंडर 30,000 के सेगमेंट। और दोस्तों नोकिया तो हम सबके दिल में बसा ही हुआ है, लेकिन अब क्या किया ना HMD ग्लोबल ने, नोकिया का नाम हटा दिया फ़ोन पर से, अब आपको HMD के नाम से ही HMD एरो करके एक फ़ोन देखने को मिलने वाला है जो कि HMD ब्रांडिंग के ही अंदर आएगा। अब हमें ट्रस्ट तो नोकिया पे था, अब HMD पे कितने लोग ट्रस्ट करते हैं ये देखने वाली बात रहेगी, और ये पता चलेगा कि वो क्या फीचर में दे रहे हैं और क्या प्राइस पे फ़ोन को लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अब बात करते हैं ओनर के बारे में, दोस्तों ओनर ना क्या काम कर रहे हैं यार समझ के बाहर है। आपको पता है ओनर 200 फोन लॉन्च हो चुका है और किसी को पता भी नहीं चला, इन्होंने चुपके से इस फ़ोन को अमेज़ोन पर लॉन्च कर दिया ओनर 200, और पता है प्राइसिंग क्या रखी है, आपको 35,000 का ये फ़ोन मिल जाएगा स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 के साथ, जो प्रोसेसर 22,000 में धक्के खा रहा है, इतना अच्छा प्रोसेसर है ये मैं कह सकता हूँ, लेकिन 20-22,000 के आसपास की रेंज में अगर ये प्रोसेसर मिले तब तो बढ़िया है, पर 35,000 हम इसके लिए क्यों पे करेंगे जबकि हमें उस रेंज में फ्लैगशिप फ़ोन मिल जाते हैं, तो ऐसे में मिड रेंज फ़ोन हम क्यों बाय करेंगे इस प्राइस पे। यही रीज़न है ओनर इंडिया में ढंग से कमबैक नहीं कर पा रहे हैं, अपनी प्राइसिंग इतनी खतरनाक रखता है ना वो कि समझ के बाहर बात हो जाती है कि इसको बाय क्यों करें हम फोन को। फिर क्या करेगा ये, अब सेल आएगी बैनर लग जाएगा 20,000 में ओनर 200, तब इस फोन की डिमांड थोड़ी बढ़ेगी, तब लोग इसको बाय करेंगे। अब यार शुरू में ही ऐसी हरकतें ना करो तो पहली फोन बिक जाए ना, सेल का वेट क्यों करना पड़े लोगों को। अब यार इन्फिनिक्स की बात करते हैं, इन्फिनिक्स का एक बजट फोन आप कह सकते हैं अच्छी 15,000 से कम की रेंज का फोन लॉन्च होने वाला है इन्फिनिक्स नोट 40 एक्स। अब इन्फिनिक्स का मैं ये कहूँगा ये काम तो सही कर रहा है, जो भी फोन इसके आते हैं ना कहीं वो मार्केट में अच्छे से सर्वाइव करते हैं, कंपटीशन के सामने कुछ ना कुछ ये यूनिक चीज़ें लेकर आते हैं। अब देखते हैं इस फोन की प्राइसिंग वगैरह क्या रहती है, थोड़ा इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। और गूगल की 9 सीरीज़ भी लॉन्च होने वाली है, Pixel 9 सीरीज़ अभी तो चल रही है ना, 8 सीरीज़ चल रही है, प्राइस काफ़ी ज़्यादा है 8 सीरीज़ का, अब 9 सीरीज़ में देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। गूगल की तरफ से यहाँ पर Tensor G4 चिपसेट दी जाएगी, वही हीटिंग इशू वही चीज़ें यहाँ पर भी देखने को मिल सकती हैं। अब देखते हैं पिक्सल के फैन तो काफ़ी ज़्यादा है, डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छा होता है, सॉफ्टवेयर बढ़िया होता है, थोड़ा ये परफॉर्मेंस पे ध्यान दे लेना तब बात बन सकती है। बाकी अगर मैं वो कुछ आपको बताऊँ ना, जैसे कि जो फोन लॉन्च हो चुके हैं OnePlus Note 4, ये फोन लॉन्च हो चुका है, मेरी टेस्टिंग चल रही है, इसका रिव्यू आपको जल्दी मिल जाएगा, काफ़ी यूनिक चीज़ें मुझे यहाँ पर देखने को मिली हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मज़ा आ रहा है वैसे फ़ोन यूज़ करने का, क्या कमियाँ हैं अच्छी बात है सब बताऊंगा मैं आपको वीडियो में। M35 इसकी मैं ऑलरेडी टेस्टिंग कर चुका हूँ, इसका रिव्यू भी जल्दी लेकर आऊँगा, मैंने आपको बताया दिया इस वीडियो में क्या मुझे यहाँ पर सही चीज़ें लग रही हैं, कैमरा डिस्प्ले क्वालिटी ये तो बढ़िया लग रहा है, परफॉर्मेंस में मुझे बिल्कुल फिलहाल तो मज़ा नहीं आ रहा, बाकी बताऊँगा रिव्यू का वेट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा CM4 Phone 1 इसको तो यार यूज़ करके तो मज़ा आ रहा है ये मैं कह सकता हूँ, थोड़ा यूनिक फील लग रही आ रही है इस फ़ोन में। इसमें क्या है ना, रिव्यू आपको इसका मिलेगा
थोड़ा आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा। कोई भी आपको डाउट इस फोन को लेकर या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसकी डिस्प्ले क्वालिटी वगैरह इनलाइन फील काफ़ी यूनिक लगी है, परफॉर्मेंस में भी कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रही है। तो वेट करो, इसका भी सारे रिव्यू आना एक एक करके आपको देखने को मिलेंगे और शॉर्ट वीडियो में भी आपको सब बताता चलूंगा इसमें मुझे क्या दिक्कत आ रही है या क्या नहीं आ रही है। तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। तो कुछ फोन थे जो आपको अगस्त में इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ हेल्प मिलेगी आज की वीडियो से। हेल्प मिली है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।